आप इस वक्त देख रहे हैं कि मैं राफेल के कॉकपिट में बैठा हूँ, हालांकि ये राफेल यहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक वर्चुअल राफेल विमान में। दुख का क्या करें, आपको दुखी होने के लिए सरकार में नहीं बिठाया ना लोगों ने कि आप उनके साथ दुखी होइए। सुन लो, राम मंदिर तो बनेगा। हाँ बिल्कुल मेरे भाई हैं, इनका नाम था मोहम्मद अली, ये गलती से संबित पात्रा हो गए। हमारे भारत में हर हफ्ते कोई ना कोई मुद्दा सुर्खियों में रहता है। आज हम उन्हीं मुद्दों के कुछ मजेदार हिस्से आपके साथ साझा करेंगे। आइए देखते हैं मीडिया के इस हफ्ते के पांच मजेदार पल क्या रहे। भारत में पांच राफेल आ चुके हैं और देशवासियों में अलग सा जोश है। ऐसा ही जोश हमने न्यूज रूम में देखने को भी मिला। एंकर खुद ही पायलट बनकर राफेल विमान उड़ा रहे थे। आप भी देखिए न्यूज द्वारा बनाए गए राफेल। वैसे तो हिंदुस्तान में राफेल विमान आने में अभी कम से कम 36 घंटे का वक्त बाकी है, लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक वर्चुअल राफेल विमान में। बुधवार को एक तरफ जहां पांच राफेल विमान भारत के अंबाला में लैंड करने वाले हैं, तो दरअसल राफेल का इंतजार इस कदर है कि मेरी तरह आज हर हिंदुस्तानी खुद को राफेल की पायलट सीट पर ही बैठा दिख रहा है। और आप देख सकते हैं न्यूज नेशन पर हम रोज आपके लिए राफेल से जुड़ी जानकारियां बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहां जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं राफेल के कॉकपिट में, यहां पर बैठ के एक अलग ही ताकत का अंदाजा होता है। 3,700 किलोमीटर की रेंज है राफेल की, और आप यकीन मानिए 2,222 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड वाला है राफेल। जब इसके कॉकपिट में आप बैठे होना तो आपको लगता है कि दुनिया आपकी मुट्ठी में है। क्या पाकिस्तान, क्या चीन, सब कुछ आपके सामने सिफर है। चीन और पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई हैं। अब से महज 6 दिनों के बाद भारत के दोनों दुश्मनों का काल आने वाला है, उसके हुंकार से सरहद पार हाहाकार मच जाएगा। आप इस वक्त देख रहे हैं कि मैं राफेल के कॉकपिट में बैठा हूँ, हालांकि ये राफेल यहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन जो पांच राफेल हैं वो उड़ान भर चुके हैं और कल का इंतजार पूरा देश कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही पांच राफेल सिर्फ कुछ घंटे बाद अंबाला एयरबेस पर पहुंचने वाले हैं। आज तक पर यूपी में बढ़ती गुंडागर्दी पर डिबेट हुई। इस डिबेट में रोहित सरदाना बीजेपी नेता अनिल सिंह से यूपी में बढ़ती वारदातों पर सवाल कर रहे हैं और उन्हें टोक भी रहे हैं। या मैं जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, ना मैं मीडिया को कुछ कह रही हूँ, ना मैं पीड़ित परिवार को कुछ कह रही हूँ। जो पीड़ित परिवार आपकी बातें सुन रहा है, कम से कम दो सांत्वना के बोल उनके लिए बोल देती कि उनकी माँ को थोड़ी तसल्ली हो जाती कि सरकार की तरफ से कोई बैठा है और जो कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े। आप तो लगातार लिपापोती कर रही है कि केवल कुछ हो ही नहीं रहा यूपी में, सब बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। कहते इसको कहते हैं सत्यता, ये है। आपको लगता है कि अगर कुछ भी इस प्रकार की घटना होती है तो जितना दुख आपको होता है ना उतना मुझे भी होता है। मैडम दुख का क्या करें, सरकार है आपकी, नहीं सरकार दुख का है, क्या करें कर रहे हैं। आपको दुखी होने के लिए सरकार में नहीं बिठाया ना लोगों ने कि आप उनके साथ दुखी होइए। क्यों अपनी सारी मानवता जो है ताले के अंदर बंद करके रख दे क्या? देखिए ऐसा है कि कोई भी तो ठीक है, फिर सारे दरी बिछा लीजिए और बैठ के मातम मनाइए, बजाय इसके कि आप उनको ये भरोसा दें कि हम हैं और हमारे होते हैं, ऐसा दोबारा नहीं होगा। के लिए रोहित सरदाना जी आपके चैनल पर भी दो बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं न्यूज नेशन पर हुई एक डिबेट की। इस डिबेट का माहौल गाली गलोच वाला बन गया और एंकर बीजेपी नेता को टोकने की बजाय विपक्षी नेता को ही टोकते नजर आए। मस्जिद बने तो ठीक, मंदिर बने तो गड़बड़। रिकॉर्ड के हिसाब से अयोध्या में भी कहते हैं कि वहाँ पे कई सारे मुसलमान क्लेम करते हैं वहाँ पे कब्रिस्तान था, तो वहाँ बाबरी मस्जिद कैसे बन गई? प्रेम शुक्ला जी कब्रिस्तान नहीं था भाई, कब्रिस्तान साइड में था, मस्जिद अलग थी। देखिए अच्छा 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 शांत कराइए, ये लगातार कौवे की तरह बोले जा रहे हैं, आराम से शांति से जरा सुन लीजिए। कुरान शरीफ पे दूसरों को सुअर तुम्हारी शक्ल में है दोस्त, सुअर तो तुम्हारी शक्ल है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, सुअर की तरह है तुम्हारी शक्ल, शब्दों की मर्यादा की बात करती है, ये आपकी पहचान है, शब्दों की मर्यादा प्लीज, तुम्हारी पहचान कुत्ते की पहचान है। देखो इनको सुन लो, इतना स्कूटू वाला भी सुअर तो गाय हो जाओ, जिस दिन मेरे हाथ लग गए इतने जूते मारूंगा कि तुम एकदम सुअर से गाय हो जाओ। माफ कीजिएगा इलिया शराफुद्दीन को, आप तुरंत काटिए। हम सबको पता है कि 5 अगस्त को राम मंदिर में भूमि पूजन होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे, पर लोगों से ज्यादा तो मीडिया एंकर में जोश दिखाई दे रहा है इस सब को लेकर। आप भी देखिए अयोध्या में मंगल, कांग्रेस बोले अमंगल, लेकिन के आंदोलन के साथ जो जुड़े हुए थे वो क्या कहते हैं, वो वाकई बड़ा होगा। सुन लो, राम मंदिर तो बनेगा। जैसे जैसे अयोध्या में भूमि पूजन की तारीख नजदीक आ रही है, विपक्ष और खुद को सेक्युलर कहने वाले चेहरे सामने आने लगे। राम का काम
संविधान के खिलाफ कैसे? सीमा पार पाकिस्तान से देश में आतंकी हमले का अलर्ट आया है। हमले की साजिश उस अयोध्या में है जो राम की नगरी है। ये धमकी है सुप्रीम कोर्ट को, ये धमकी है सनातन धर्म की आस्था को। माता कौशल्या का अपमान कर रहे हैं, भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, भगवान दशरथ का अपमान कर रहे हैं, क्या यही है सेक्युलरिज्म? श्री राम नाम का दर्द है उन्हें। क्या पूजा इसको कम्युनल हो? और चलिए अब आपको लिए चलते हैं अयोध्या। 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य भूमि पूजन होने जा रहा है। शिलान्यास से पहले ही रामनगरी में दिव्य दिवाली सा माहौल है। अब बात करते हैं न्यूज 18 पर हुई एक डिबेट की, जिसमें AIMIM नेता ने संबित पात्रा का डिबेट में नामकरण ही कर दिया और संबित पात्रा इसे मान भी गए। देखिए ये मजेदार डिबेट। संबित पात्रा की बात का आपने जवाब नहीं दिया। किस बात का जवाब चाहते हैं? नहीं, संबित पात्रा ने कई सारी बातें बोली। उन्होंने बोला कि आप भी उनके भाई हैं और आप के पूर्वज भी श्री राम को प्रभु ही मानते होंगे। हाँ बिल्कुल, मेरे भाई हैं, इनका नाम था मोहम्मद अली। ये गलती से संबित पात्रा हो गए। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ मैं मोहम्मद अली हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मोहम्मद अली को समय दिया जाए बोलने के लिए। बोलिए डॉक्टर पात्रा। देखिए ये बड़ी ये इंटरेस्टिंग विषय है। आपको हंसी लगी है तो आचार्य जी हंसी रहे हैं। आचार्य जी तो कहीं पर मैंने तो आचार्य जी का वीडियो भी देखा है नमाज पढ़ते हुए। तो संबित पात्रा कह रहे हैं कि आप असीम वकार के कहने पे नमाज पढ़ चुके हैं। अब असीम वकार साहब ने उनका नामकरण कर दिया, मोहम्मद सलीम या मोहम्मद सुलेमान नाम रख दिया, बताइए वो। ना मैंने मोहम्मद अली किया है। ठीक नाम तो बताइए, गलत नाम क्यों बता रहे हैं? मेरी मोहम्मद अली। हाँ, हमने आपको इस हफ्ते के गोदी मीडिया के कुछ मजेदार डिबेट दिखाए। हम आगे भी इसी तरह हर हफ्ते कुछ मजेदार डिबेट्स आपको दिखाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।